कोई भी आदमी है ना, ना तो केवल हार्डवर्क से जो है सक्सेस हो सकता है, ना केवल स्मार्ट वर्क से ही वो लंबे समय तक सक्सेसफुल बना रह सकता है। एक आदमी को पूरी तरीके से कामयाब होने के लिए हार्डवर्क भी चाहिए और स्मार्ट वर्क भी चाहिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझो कि जैसे बिल्डर लोग होते हैं हमारे दिल्ली में, एक प्लॉट खरीदते हैं, उन्होंने प्लॉट खरीदा और वो 4 मंजिल का जो है पूरा बिल्डिंग बनाएंगे, 4 फ्लोर बनाएंगे। तो उन्होंने प्लॉट खरीदेंगे, पहले 6.5-7 करोड़ का प्लॉट आएगा, फिर 1.5 करोड़ वो ऊपर से बनाने में लगाएंगे, और बनने के बाद 2 साल का टाइम लेंगे पूरा, और फाइनली जो है वो उसको 10 करोड़ रुपए में वो बेचेंगे। अब इस बिल्डिंग को बनने में 3 लोग आए मेन, एक आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट नक्शा डिजाइन जो तैयार करेगा वो लगभग 80-90 दिन की मेहनत करता है उस पर, 10 लाख रुपए लेता है एक बिल्डिंग का अच्छा डिजाइन बनाने में। उसने केवल स्मार्ट वर्क किया और उसने 10 लाख रुपए सीधे कर लिए, और जो दिहाड़ी मजदूर काम करता है एक बिल्डिंग बनाने में, उसको डेली की 700 रुपए दिहाड़ी मिलती है, और लगभग 2 साल में वो 5 लाख रुपए अपने पॉकेट में लेता है, और दिन में 12 घंटे 10-12 घंटे काम करता है वहां पे। यानी कि और जो बिल्डर है, बिल्डर ने कितना प्रॉफिट कमाया, बिल्डर ने 7 करोड़ खर्चा करके लगभग 10 करोड़ रुपए बनाए, 3 करोड़ रुपए का मिनिमम प्रॉफिट हुआ। तो आर्किटेक्ट ने केवल स्मार्ट वर्क किया, 10 लाख रुपए निकाले उसने, और मजदूर ने दुनिया भर का हार्ड वर्क किया तो भी 2 साल में उससे 5 लाख रुपए ही बने, और बिल्डर प्लॉट भी खरीदता है, सारे नगर पालिका का झंझट भी वो लेता है, कंस्ट्रक्शन का झंझट भी वो लेता है, मजदूरों से सामने खड़ा होकर काम भी वो करवाता है, धूल मिट्टी भी वो फांकता है, धूप में भी खड़ा होता है, हर चीज को चेक भी करता है, मजदूर भी वही लाता है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों उसने किया, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसने कमाया 3CR का। ये चीज तो एक बिजनेस में, ये चीज आप पढ़ाई में भी लगा सकते हो कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो बहुत मेहनती भी हो, लेकिन मेहनत भी दिमाग वाली ऐसी करे जो उसको रिजल्ट निकाल के दे। दिमाग वाली मेहनत करनी बेटा, चढ़ुओं की तरह मेहनत नहीं करनी आपको।